Today we are going to discuss the chemical composition of cell membrane. यानी हम cell membrane का जो composition है chemical composition में इनके कौन कौन से chemicals जो है कौन कौन से molecules या कौन कौन से compound जो हैं इसमें मौजूद हैं उसके हवाले से हम क्या है बात करेंगे आज. तो उसमें जो है cell membrane composition के हवाले से जो है उसमें variety of molecules जो है उसमें पाए जाते हैं, जैसे कि lipids हो गए, proteins हो गए, या इसके अलावा कोलेस्ट्रोल होगा, ये सारे इनमें पाया जाता है जो कि इसकी फ्लूडिटी जो है उसके लिए यानी ज़रूरी होते हैं. यानी ये उसको स्टेबिलिटी के उसकी स्टेबिलिटी, उसकी परमेबिलिटी, उसकी फ्लूडिटी, इन सारे चीज़ों के लिए क्या है वो मौजूद होते हैं सारे केमिकल. फिर इसके जो कंपोजिशन है यानी इसका जो मकदार है वो कम ज़्यादा होता रहता है टाइम के साथ साथ. हो क्यों? क्योंकि उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मेकनिज़म जो है वो होते रहते हैं. इसी के साथ जो है दूसरा एक और बात कहूँ कि मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म जो हैं उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसका कंपोजिशन चेंज होता रहता है. नहीं सेल के साथ क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई दूसरा ऑर्गेनिज़म है, बर्ड्स है या मैमल्स है या एम्फीबियंस है या रेप्टाइल्स है या इनवर्टिब्रेट्स हैं, तो उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है और जो इसके सेल दूसरे सेल मेम्ब्रेन है दूसरे ऑर्गेनिज्म के, तो इसका जो कंपोजिशन है उसमें लिपिड, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रोल ये सारे क्या हैं ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे. यानी उसमें जो मेकनिज़म होंगे इसमें जो मेकनिज़म होंगे वो जो है डिफरेंट होंगे उसके रिक्वायरमेंट्स के हवाले से, और इसके रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट है, तो इसलिए उसका कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं. ऐसा नहीं है कि सबका एक जैसा होगा ना, बल्कि वो डिफरेंट होंगे सेल टू सेल, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म क्या है वो वेरी कर सकते हैं. अभी मेकनिज़म कौन से जिसके थ्रू जो ये मकदार कम ज़्यादा होते रहते हैं, उसमें एक्सोसाइटोस से एंडोसाइटोस से मतलब कि कोई चीज़ अगर उसमें आ जाता है तो वहाँ पे क्या है वो उससे पंच अप हो जाता है, उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन बन जाता है और वही मेम्ब्रेन जो है फिर क्या है एक्सोसाइटोसिस के थ्रू वो चीज़ को उसको एक्सक्रीट करवा लेते हैं. इसके अलावा जो है उसमें दूसरा क्या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मीन कि अगर उसमें ट्यूब्स बन जाते हैं जो वही ट्यूब जो है उसके थ्रू सेल्स में जो है कम्युनिकेशन होता है, उसमें जो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे, उस तरह गॉल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये सारे जो है ये वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसमें होते हैं. मुख्तलिफ केमिकल्स और ये सारी चीज़ें क्या हैं वो एक से दूसरे उसमें स्टोरेज और उससे फिर दूसरे में ट्रांसपोर्ट करवा लेते हैं मुख्तलिफ मालिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स को. तो इस तरह फिर वही जो उसमें जो मेम्ब्रेन में जो ट्यूब बन जाता है तो क्या है ड्रेन इनटू दी मेम्ब्रेन कंटिन्यूसली, और वो चीज़ों को क्या है उससे कंटिन्यूसली बाहर लेके जाते हैं, तो उसमें ये मकदार कम ज़्यादा हो सकते हैं मुख्तलिफ केमिकल्स की, मुख्तलिफ मालिक्यूल्स की. इसके साथ क्या है वो यानी इक्वस फेज होता है उसमें, और लिपिड उसमें जो मेम्ब्रेन कंसनट्रेशन है वो यानी इसमें इसके अंदर जो एक्वस फॉर्म है तो वो उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो भी चेंज हो जाते रहते हैं. यानी उसका कंसंट्रेशन जो है मेम्ब्रेन में एक्वस फेज में वो लो होता है. लो क्यों होता है? लो इसलिए होता है उसका जो कंपोजिशन है इस केमिकल्स का, क्योंकि वहाँ पे क्या है सॉल्युबिलिटी के लिए, ताकि वो जो है वाटर में अगर एक मेम्ब्रेन है वो उसके जो कंपोनेंट्स है वो वाटर में सॉल्युबल आसानी से नहीं होगा तो उस मेम्ब्रेन क्या होगा वो स्टेबल होगा, मतलब कि स्टेबल मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स है लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर. यानी जो मेम्ब्रेन यानी आसानी के साथ सॉल्युबल नहीं होगा, उसमें हल नहीं होगा, तो उसकी कंपोजिशन क्या होगी वो लो होंगी, और ये इसकी स्टेबिलिटी की निशानी है. देयर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ मालिक्यूल बिटवीन लिपिड्स एंड एक्वस फेज, और एक्सचेंज जो है मालिक्यूल इसके लिपिड्स और एक्वस फेज के दरमियान क्या है मालिक्यूल्स की एक्सचेंज होते रहते. यानी जो मेम्ब्रेन सॉल्युबिलिटी है वो क्या है वो चेंज होता रहता है, सॉरी सॉल्युबिलिटी जो है उसका वाटर में अगर उसकी कंपोजिशन जो है उसका लो हो, कंपोनेंट्स जो है लो हो, तो क्या है वो स्टेबल होगा, और स्टेबल होगा तो उस पर सॉल्युबिलिटी जो है वाटर में वो कम होगा. तो इस तरह इसका मतलब यह है कि ये सारी चीज़ें क्या है वो चेंज होते रहते हैं. इसके साथ ही हम लिपिड्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं, लेकिन ये था थोड़ा बहुत जो है हमारे साथ सेल कंपोजिशन ऑफ दी सेल केमिकल कंपोजिशन ऑफ दी सेल मेम्ब्रेन के हवाले से हमने इस पर बात की. नेक्स्ट लेक्चर में हम बात कर लेते हैं उस पर लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल इन चीज़ों पर.